आज मैं आपके साथ मेरा फर्स्ट ब्लॉग शेयर करने वाली हूँ। आज है 1 जनवरी 2023, तो आज है न्यू ईयर का दिन, तो मेरी तरफ से सबको विशिंग यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। तो आज मैंने सोचा कि कुछ इंटरेस्टिंग सा करते हैं, इसलिए ये ब्लॉग शूट कर रही हूँ। तो मैं सुबह 7 बजे उठ गई थी, उठने के बाद फ्रेश वगैरह होने के बाद अभी 8:30 बज रहे हैं, तो अभी मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, तो ब्रेकफास्ट बनाऊंगी अभी। और वैसे भी आज संडे है, मुझे छुट्टी है, तो मैंने सोचा कि कहीं बाहर चला तो मैंने सोचा कि कहीं बाहर जाऊंगी। तो अभी तक कुछ सोचा नहीं है, कुछ प्लान नहीं किया है, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी मैं जहाँ भी जाऊंगी, जो भी एक्टिविटी करूंगी। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। अभी मेरा ब्रेकफास्ट हो गया है, तो अभी क्या हुआ ना, मेरे फ्रेंड का कॉल आया था, आज संडे है, सबको छुट्टी है, तो सब बोल रहे कि कहीं बाहर चलते हैं, न्यू ईयर भी है, तो कहाँ जाना ये तो डिसाइडेड नहीं है। पर मैंने सोचा जल्दी से तैयार होके रेडी हो जाती हूँ, क्योंकि मैं उनके यहाँ जाऊंगी, फिर हम लोग प्लान करेंगे, उसके बाद कहीं भी जाएंगे, जो भी सिटी के आसपास के जो पिकनिक स्पॉट्स है वहाँ पे हम जाएंगे। तो मैं जहाँ भी जाऊंगी आपको इस ब्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी। तो अभी जल्दी से नहा लेती हूँ, तैयारी कर लेती हूँ और बाद में मिलती हूँ आपको।
अभी मैं नहा के तैयार हो गई हूँ और मुझे जाने में लेट हो रहा है। हम लोग मैं मेरे फ्रेंड को मिलने जा रही हूँ, फिर वहां से कहाँ जाने का प्लान बनता हूँ वो मैं आपको बाद में ब्लॉग में बता दूंगी। तो अभी मैं जल्दी से हो जाती हूँ रेडी, तो आपके साथ बात करते करते रेडी हो जाती हूँ। तो सबसे पहले मैं अप्लाई कर लेती हूँ मेरी सनस्क्रीन, बिल्कुल भी टाइम नहीं है, जल्दी जल्दी करना है सब। जल्दी 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 के चक्कर में तो मैं मेरा टोनर लगाना ही भूल गई। उसके बाद मैं अप्लाई करूंगी मेरा ये कंसीलर, ज्यादा नहीं बस थोड़ा सा ही लगाऊंगी। अभी मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं ब्यूटी ब्लेंडर से इसको ब्लेंड करूं, जल्दी से हाथों से ही कर लेती। तो अभी मैंने कंसीलर अप्लाई कर लिया है, अभी लगा लेते हैं ब्लश। तो मेरे पास ये है लिप चिक एंड आईज टिंट, ये है टैग का, तो इसको भी अप्लाई कर लेते हैं। अभी फाउंडेशन वगैरह लगाने का टाइम नहीं है, तो इसको भी मैं हाथों से ब्लेंड कर लूंगी। बहुत ही प्यारा कलर है। उसके बाद मैं अपने फेस पे अप्लाई करूंगी ये कॉम्पैक्ट पाउडर माई ग्लैम का, इसको अच्छे से अप्लाई कर लिया है। उसके बाद मैं मेरे आईब्रो फिल करूंगी। मैंने मेरी एक आईब्रो फिल कर ली है, मैंने थ्रेडिंग नहीं की है उसकी वजह से कुछ ये ऐसे दिख रहे हैं, तो मैं अभी अपने दूसरी आईब्रो फिल कर लेती हूँ। उसके बाद है आईलाइनर लगाने की बारी, तो आईलाइनर के लिए मैं ये ब्लू हेवन का लिक्विड आईलाइनर यूज कर रही हूँ, तो मैं इसको अप्लाई करती हूँ पहले, क्योंकि इसको वीडियो में ऑन वीडियो अच्छे से अप्लाई नहीं कर पाऊंगी। तो आप देख सकते हैं मैंने दोनों तरफ मेरी आईलाइनर अप्लाई कर लिया है। अभी बारी है मस्कारा की, तो मस्कारा के लिए मैं ये मार्स का मस्कारा यूज कर रही हूँ। तो मैंने वन साइड मस्कारा अप्लाई कर लिया है, अभी दूसरे साइड भी कर लेती हूँ। तो अभी लास्ट में मैं अप्लाई करूंगी ये मेरी माई ग्लैम की लिपस्टिक। ये ना बहुत ही प्यारा न्यूड शेड है, ब्राउन न्यूड शेड है, ये मेरा पर्सनली फेवरेट शेड है। तो अभी भी मेरा मेकअप हो गया है डन, तो ड्रेस क्या पहनना है वो तो मैंने डिसाइड नहीं किया है, तो मैं आपको मिलती हूँ पूरी तैयार होने के बाद और बताऊंगी कि मैं कहाँ जा रही हूँ। वैसे तो मैंने आपको बता ही दिया है कि मैं मेरे फ्रेंड के इधर जा रही हूँ, पर उसके बाद कहाँ जाना है वो कुछ डिसाइडेड नहीं है, तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। हो गई हूँ रेडी, तो ये मेरा है आउटफिट आज का, ये मैंने मिंत्रा से लिया था। अगर आपको इसका लिंक चाहिए होगा तो कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिएगा। अभी मैं मेरे फ्रेंड्स के साथ हम लोग जा रहे हैं कुवारा भ्यूसेन। कुवारा भ्यूसेन इज़ ए स्मॉल विलेज इन रामटेक तहसील एंड इट इज़ नियर नागपुर।
जो अभी दिख रहा है ये बड़ी बड़ी चिमनीज, ये कुराड़ी पावर प्लांट की चिमनीज है जो देखने में बहुत ही अच्छी दिखती है। कुवारा ब्यूसेन जाने वाला रोड बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। यहाँ से ट्रैवल करना मुझे बहुत पसंद है। यहाँ पे आप लॉन्ग ड्राइव के लिए भी जा सकते हैं। देख सकते हैं आप, बहुत ही प्यारा सीन है। तो कुवारा ब्यूसेन आप आपके फैमिली के साथ भी जा सकते हैं, फ्रेंड्स के साथ भी जा सकते हैं। वहाँ पे आप बोटिंग भी कर सकते हैं, और ट्रैक करना पसंद है तो आप ट्रैकिंग भी इंजॉय कर सकते हैं। हमें जाने में बहुत लेट हो गया था, इस वजह से हमने ट्रैकिंग नहीं किया था। आप देख सकते हैं 1 जनवरी को संडे के दिन यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रश था। यहाँ पे आप देख सकते हैं जंगल में भी लोग बैठ के अपना टिफिन खा रहे थे। वहाँ पे हमको ये कच्चा चिवड़ा मिल गया था, बहुत ही टेस्टी था, तो हम सब ने यही खाया था। आने के बाद सडनली हमारा प्लान बन गया कि हम मंदिर जाएंगे। तो ये है कोराडी मंदिर। ये बहुत बड़ा मंदिर है और बहुत ही अच्छा है। तो मंदिर के बाहर आपको ये खाने पीने की चीज़ें सब यहाँ पे मिल जाती है। तो मैं भी फर्स्ट टाइम ही मंदिर में जा रही थी, ये वाले मंदिर में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइन कितनी बड़ी थी, बहुत ही बड़ी लाइन थी। देख के ही डर लग गया था कि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो हमने पूजा के लिए वहां से ये प्यारे से लोटस भी खरीद लिए थे। बहुत ही बड़ी थी, देख के लग रहा था कि 1 to 2 hours लग जाएंगे, लेकिन 15 से 20 मिनट में ही दर्शन हो गए थे। ये श्री महालक्ष्मी जगदम्बा माता टेम्पल है। इसका व्यू बहुत खूबसूरत दिखता है। बाहर से आने में मुझे बहुत ज़्यादा ही लेट हो गया था और मैं बहुत थक गई थी। तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी में क्या बनाया जाए, तो फिर मुझे आइडिया आया कि पास्ता ही बना लेती हूँ। तो अभी मैं सब प्रिपरेशन कर रही हूँ पास्ता बनाने का। Thank you.
रास्ता बन के रेडी हो गया है, बहुत जोरों की भूख भी लगी है, तो उसको जल्दी जल्दी खा लेती हूँ मैं। पास्ता तो बहुत ही टेस्टी बना था। न्यू ईयर था, सोचा था कुछ स्पेशल बनाऊंगी, लेकिन मैं बहुत थक गई थी उस वजह से और लेट भी हो गया था, तो मैंने ये पहले ही ला के रख दिए थे, ये छोटे छोटे केक्स, ये चॉकलेट केक्स है, मुझे बहुत पसंद है, तो इससे ही मेरा न्यू ईयर का जो डिनर था मैंने स्पेशल किया था। तो मैं बहुत ज़्यादा ही थक गई थी और जल्दी से सोना चाह रही थी, इस वजह से मैंने मेरा डिनर भी जल्दी जल्दी फिनिश कर लिया था और अभी सोने की तैयारी कर रही हूँ। दिस इज़ माई फर्स्ट व्लॉग, इफ देर इज़ एनी मिस्टेक फ्रॉम माई साइड देन प्लीज सॉरी फॉर दैट। आई होप यू लाइक माई वीडियो, इफ यू लाइक प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। Bye-bye.